हेलो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी हमारी, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। जो आपने पहले किया था बिल्कुल सेम टू सेम वही करना है। बस आपको ध्यान ये देना है कि पहले आपकी सिंगल डिजिट थी, जैसे टेन इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी थी या फिर कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन इस बार तीन डिजिट आपको इकट्ठे दिए हैं, ठीक है। तो आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को इकट्ठा करके उसके जो बीच में साइन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अगर प्लस है तो प्लस करना है और माइनस दिया गया है तो माइनस करना है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा देखना, वन जो है टेन में किसकी वैल्यू होती है, वो टेन 45 की होती है। 45 का मतलब पाई बाई 4, यानी आप ये कह सकते हो टेन पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है। यानी आप टेन 1 की, देखो टेन इनवर्स 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, टेन पाई बाई 4। ओके अब बात करते हैं थोड़ा कॉस इनवर्स x की। मैंने आपको उस दिन बताया था कॉस sec के बारे में, मैंने आपको क्या बोला था, अगर कभी भी कॉस इनवर्स माइनस में आता है तो आप क्या करोगे, पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, पाई माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा कितना है यह हमें देखना पड़ेगा। थीटा के लिए अब यहां थोड़ा सा आते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, 1/2 की, माइनस को अलग रखो। एक काम करते हैं कि स्टेप बढ़ा देते हैं, उसके बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में, कॉस में जो वैल्यू होती है 1/2 वो पाई बाय 3 की होती है। किसकी होती है, पाई बाय 3 की। तो पाई बाय 3 प्लस, एक स्टेप बढ़ाने से क्या थोड़ा क्लियर हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आप डायरेक्ट करने वाले थे इसकी वैल्यू को, माइनस का माइनस, 1/2 को आप क्या कह सकते हो, कॉस इनवर्स कितना, पाई बाय 3 कह सकते हो। क्योंकि देखो कॉस पाई बाय 3 जो होती है वो क्या होता है, 1/2 होता है। तो कॉस 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 3, तो माइनस का माइनस और इसको हमने क्या कर दिया, पाई बाय 3। ओके इसके बाद देखिए साइन इनवर्स, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था साइन इनवर्स माइनस थीटा, आपको ध्यान होगा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। ओके यानी आप ये वाला माइनस कहां पे लगाना है हमको, थीटा के साथ। ओके तो हम कहेंगे ये 1/2 होती किसकी वैल्यू है, 1/2 पाई बाय 6 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय 6 की। तो हम कहेंगे साइन इनवर्स माइनस का माइनस साइन पाई बाय 6। ओके टेन से टेन कैंसिल, हमारे पास क्या है, पाई बाय 4 प्लस। अब यहां पर देखो जो स्टेप मैं पहले डायरेक्ट करने वाला था उसको एक स्टेप बढ़ाया, क्योंकि इससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर माइनस में कॉस आता है, ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, पाई माइनस थीटा। क्या यूज कर सकते हो, पाई माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे यहां पर, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, ओके प्लस साइन इनवर्स, इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कभी भी साइन जो है माइनस में आता है, क्योंकि आपको अभी भी बताया था माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा के। ओके तो आप माइनस कहां लगाएंगे, थीटा के साथ। तो साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 6, ओके पाई बाय 4 का पाई बाय 4 प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, बाद में कर सकते हो, अभी करना चाहो अभी कर दो। ओके और 3 से इसका इंटू किया, 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 पाई अपॉन 3। ओके माइनस, क्यों, साइन साइन कैंसिल, तो माइनस का पाई बाय 6। ओके एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना, एलसीएम तो आपको आता है 4, 3 और 6 का, आप चाहो एलसीएम ले लो साइड से, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आएगा, 12, आप चेक कर सकते हो 4, 6 और 12 का एलसीएम आप यहां ले सकते हो। टू टू जै 4, 4 3 जै कितना, 12।
हमारा एलसीएम आया 12, ओके। अब देखो ध्यान से, 4 का टेबल 3 बार तो 3 पाई, 3 का टेबल कितनी बार, 4 बार, 4 टू जो 8 पाई, 6 का टेबल कितनी बार, 2 टाइम्स तो 2 पाई, टोटल प्लस किया तो कितना हुआ 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12 तो कितना हुआ 9 पाई अपॉन 12, 3 बार और 4 बार 3 से, तो आगे हमारा 3 पाई अपॉन 4, क्लियर है, ओके, नोट कर लीजिए। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, देखिए क्या दिया है, कॉस इनवर्स 1/2 टू साइन इनवर्स 1/2, ओके। बस हमको ध्यान क्या रखना है, ये 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है हमें ध्यान रखना है। आप अच्छे से जानते हो कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है, ओके। तो हमें ध्यान क्या रखना है, तो हम क्या कह सकते हैं 1/2 की जगह क्या रख सकते हैं, कॉस पाई बाई 3, ओके। इसके बाद देखिए 2 इंटू साइन, साइन में अगर बात करते हैं तो ये कितना होता है, पाई बाई 6 होता है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 जो होता है, सॉरी साइन पाई बाई 6 जो होता है वो कितना होता है, 1/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, ओके। साइन से साइन कैंसिल हो गया हमारे पास, क्या पहले कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे, पाई बाई 3, ओके। 2 इंटू साइन से साइन कैंसिल, पाई बाई 6, 2 से काटा 3 टाइम्स, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, एलसीएम लिया 3 आया, पाई प्लस पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया है, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई देन, यानी हमको इसकी रेंज निकालनी है, क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। और आप अच्छे से जानते हो जो हमारी रेंज होती है, ओके, जो हमारी रेंज होती है साइन की वो कहाँ से कहाँ तक होती है, देखते हैं जरा, जो हमारी रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, पाई बाई 2 से माइनस के पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। अच्छा, ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान दिया करो, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये भी इंक्लूड है इसके साथ, ये भी इसके साथ लिया जाएगा। अगर मान लो ये ओपन ब्रैकेट होता, कुछ ऐसे होता, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है ये छोड़ के बाकी बीच के सारे और ये भी नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ब्रैकेट है वो क्लोज ब्रैकेट है, कैसा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, यानी हमको ये ध्यान रखना है माइनस के पाई बाई 2। तो हमें y की जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी, जरा देखते हैं, हमारी जो y की वैल्यू होगी वो कहाँ जाएगी, माइनस के पाई बाई 2 से लेकर के प्लस के पाई बाई 2 तक, कहाँ तक जाएगी, पाई बाई 2 तक, ओके। तो लेकिन इसको इंक्लूड रखना है तो क्या लगा देंगे, इक्वल का साइन, और इसको भी इंक्लूड रखना है तो क्या लगा देंगे, इक्वल का साइन, यानी मिनिमम हमारी माइनस के पाई बाई 2 से मैक्सिमम पाई बाई 2 तक, लेकिन इसको भी क्या रखना है, इंक्लूड रखना है, इसलिए इज इक्वल टू का साइन भी हमने लगा दिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, रूट 3, रूट 3 हमारी किसकी वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए, टेन पाई बाई 3 कितना होता है, रूट 3 होता है, तो टेन इनवर्स पाई बाई 3 क्या लिखेंगे, टेन पाई बाई 3, ओके। अब देखिए माइनस, मैंने आपको पहले भी बताया था sec cosec, सॉरी sec और cos के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, माइनस में चेंज कभी भी आए तो आपको क्या करना है, थीटा यानी 180 माइनस थीटा करना है, वो तब जब आप उसकी वैल्यू रख चुके हो, ओके। तो पहले वैल्यू रखते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या होती है देखते हैं जरा, तो sec इनवर्स माइनस का माइनस 2 हमारी जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, आप याद रखना, पाई बाई 3 की, किसकी होती है, sec पाई बाई 3 की, ओके। वेल टेबल में आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको टेबल बनाना नहीं आती है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको टेबल बनाने का एक सिंपल तरीका भी सिखा दूंगा, ओके। चलो आगे देखते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा कितना आया, पाई बाई 3, ओके, माइनस sec, ये देखिए माइनस थीटा आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था
माइनस थीटा कभी भी आता है तो चेंज करने का तरीका क्या है, सेक पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा हमारा कितना है पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री माइनस सेक इनवर्स, सेक से सेक कैंसिल कर दो, एक काम करो सेक से सेक कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारे पास आया थ्री वन जा थ्री और थ्री में से बन गया तो टू पाई अपॉन थ्री, तो पाई माइनस थ्री माइनस टू पाई अपॉन थ्री, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा थ्री, पाई माइनस टू पाई इज इक्वल्स टू माइनस का पाई बाई थ्री, ओके नोट कीजिए।